गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। जिस पल का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका है। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि, विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता, गणराय का आगमन हमारे घरों में हो रहा है, हमारे संसार में, इस पृथ्वी पे। सारी बीमारियों को दूर करने के लिए, सारे कष्टों को हरने के लिए गणपति बप्पा हमारे घर पधार रहे हैं। तो क्यों ना इस बार हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ नमन होके गणपति बप्पा के चरणों में वंदना प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करें कि हे गणपति बप्पा, इस जग में, इस दुनिया में, इस काल कोरोना में जो बीमारी, जो भी संकट, जो भी विघ्न है, उसे सब आप दूर करें। अब आप जब आ ही गए हो तो किसी भी तकलीफ की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि गणपति का आगमन मतलब सुख समृद्धि चारों ओर, सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि, दुखों का नाश, विघ्नों का नाश। मैं चाहता हूं कि हम इस बार गणपति भगवान को इस तरह से नमन करें कि सारे कष्ट इस संसार से दूर हो जाए, हमारे घर परिवार में हमारी बीमारी जो है सब यहां से खत्म हो जाए। लेकिन इस बार दोस्तों, हमें बहुत ध्यान रखना है, हम जो गणपति भगवान के आगमन के लिए पूजा अर्चना करेंगे तो हमें थोड़ी सावधानी बरतते हुए, मैं चाहता हूं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने घर में आप इको फ्रेंडली गणपति रखें। इको फ्रेंडली गणपति अपने श्रद्धा भाव से इतना पूजा पाठ करके उस उच्चारण से गणपति बप्पा को प्रसन्न कर दें कि हमारी तकलीफों को पूरी तरह से दूर करते हुए सुख समृद्धि प्रदान करें। देखिए, इको फ्रेंडली गणपति अगर हम घर में रखते हैं तो हम विसर्जन भी अपने घर में कर सकते हैं। और आप सोचो कि हमारे घर में ही विसर्जन होगा, हम एक छोटे से बास्केट या टब के अंदर, जहां पे गंगा जल, दूध, अभिषेक, मक्खन, इससे अभिषेक करते हुए हम पूरी तरह से अपने घर में ही उस विसर्जन को अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद, विसर्जन के बाद जब वो पानी, वो मिट्टी होगा, तो हम हमारे घर में ही एक गमला लेके उसे, उसी मिट्टी से एक पौधा लगा के, फूलों का पौधा या जो पौधा आपको पसंद हो, उस पौधे को हम वहां पे गणपति भगवान के इस विसर्जित हुई मिट्टी और उस जल को पूरे साल अपने घर में आशीर्वाद, आशीष के रूप में महसूस कर सकते हैं। सोचो आप कि घर में कितना पवित्र वातावरण रहेगा, वो ऊर्जा हमारे घर में चारों तरफ फैली रहेगी, न कोई बीमारी आएगी, न कोई संकट आएगा, गणराय का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। तो आप सभी लोग अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति लाइए और घर में ही विसर्जन कीजिए। और जब तक 5 दिन, 1.5 दिन, जितने दिन का, 10 दिन का गणपति आप रख रहे हो, पूरी पूजा अर्चना के साथ नमन हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए, अपनी भावनाओं को उनके चरणों में समर्पण करके मुक्त हो जाइए। और जब विसर्जन करना हो तो हम घर में ही विसर्जन करेंगे। और विसर्जन किया हुआ उस मूर्ति का, जो कि मिट्टी का आकार होगा, और वो जल जो होगा, हम अपने पौधे में उसे पूरे साल उपयोग कर सकते हैं। और गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमारे घर में बना रहेगा, आप यकीन मानो कोई संकट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ हमारे घर में खुशहाली होगी, एक पवित्र वातावरण होगा। तो आइए इस बार गणपति बप्पा का तहे दिल से नमन होके स्वागत करते हैं, अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति रखते हैं और यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे गणराया, आप सारे कष्टों को इस जग से, हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अपने घर में, अपने घर परिवार के साथ आप जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस है उसको मान करते हुए गणपति का पूजा और पाठ कीजिए और नतमस्तक हो जाइए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव। ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी।